गुप्ता 07 पर। आइए चलते हैं पनकी मंदिर, कानपुर के पनकी मंदिर में दर्शन करने। यहाँ पर हम लोग फूल और फूलों की माला और तुलसी की माला और प्रसाद ले रहे हैं। एक शॉप पर हम लोग बैठे हुए हैं। कानपुर में रहने वाले लोग, सभी लोग पनकी मंदिर को तो जानते ही होंगे। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये तुलसी की माला ले रहे हैं और प्रसाद ले। ये मेरे ससुर सास और ये नाना जी हैं, वैभव के नाना। और ये हम लोग मंगलवार शनिवार को हम लोग गए थे, जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी और कोई ओकेज़न नहीं था तो इतना था। ये छोटे छोटे स्टॉल लगे थे जो बच्चों की टॉयज़ की। ये वैभव जा रहे हैं और ये तुलसी की माला है जो हनुमान जी पर चढ़ाने के लिए। किनारे किनारे वो प्रसाद ग्रहण करने वाले लोग, और यहीं पर बहुत सारे अपाहिज लोग भी रहते हैं जो जो प्रसाद के लिए वेट किया करते हैं। इस मंदिर के आगे गांव मरता लोग आगे पीछे खड़ी रहती है। मैं तो जा रही थी तो मुझे ये बीचों बीच में खड़ी थी, तो मैं किनारे से जा रही थी तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे मार न दे। मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है लोगों की। देखिए आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है मंदिर में, आराम से दर्शन हो गए थे हम लोगों के। ये बहुत सारी घंटियाँ, ये देखिए इतनी सी भीड़ है। वैभव दर्शन कर रहे हैं। मैं अनायशा को लिए हुई थी गोदी में, तो मैं वीडियो बना रही थी और अब वैभव ने कैमरा पकड़ा है तो मैंने पूजा किया। हालांकि पूरा पूजा दिखाए नहीं हम लोग इसमें वीडियो में। ये देखिए हनुमान जी के दर्शन और हनुमान जी की आंखें दिख रही हैं। ये अनायशा भी आ गई, वैभव ले लिए अनायशा को। और अभी हम लोग पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। यहाँ पर सब लोग बैठकर, काफ़ी लोग जो बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो यहाँ बुक दी जाती है छोटी छोटी। और यहाँ वैभव पढ़ रहे थे तो उनके साथ मैं भी पढ़ रही थी हनुमान चालीसा। वैसे तो हनुमान चालीसा हमें आती है लेकिन बुक दिए जा रहे थे, बुक से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अनायशा को नींद आ रही थी क्योंकि हम लोग थोड़ा शाम के टाइम गए थे, तो ये दोपहर में सोती है चार पाँच बजे तक, तो उसको नींद आ रही थी लेकिन सोई नहीं थी। जब हम लोग पूजा कर रहे थे बहुत मंदिर के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। देख सकते हैं आप लोग कैसे सब लोग हनुमान चालीसा की बुक लेकर सब लोग पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। ये अनायशा पूजा कर रही है हाथ जोड़े। अनायशा मंदिर की बहुत बहुत हाथ जोड़ती है भगवान के दर्शन करने में आगे है। हालांकि मैं और वैभव उतना पूजा पाठ में मन नहीं लगाते, लेकिन अनायशा
जिस मंदिर के सामने से गुजरेगी हाथ जोड़ेगी। देखिए ये मंदिर के पीछे से एक ऐसे दरवाज़ा है जिसमें से हम लोग गोल गोल घूम के मंदिर के दर्शन कर रहे थे, और ये ज्वाला की थोड़ा सा दीपक के हाथ लगा रहे थे अपने वैभव के अनायशा के। ये काफ़ी सिद्ध मंदिर है, कहना है सब लोगों का काफ़ी सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो मुराद मांगो वो पूरी होती है। गाइज अभी हम लोग जाएंगे, इसी के पहले है, इस मंदिर के पहले पड़ता है कछुआ तालाब जिसको बोलते हैं टर्टाइस पॉन्ड, तो अब हम लोग उसी के दर्शन करने जाएंगे, दर्शन ही मतलब घूमने जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बारिश हुई थी तो आगे काफ़ी कीचड़ हो रखा था, और कछुआ तालाब फेमस तालाब है कानपुर का। टॉर्टस बोलते हैं टॉर्टस। हम लोग चल रहे हैं, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ था और अच्छा बना था, इतनी अच्छी हवा चल रही है। इसी के अंदर एक शंकर जी का मंदिर भी है। कह रहे थे कछुआ लेने के लिए निकल भी पाएंगे यहाँ से, नहीं ये देखिए, और इसमें भी बहुत सारे कछुए दिखेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कछुए इसके अंदर। और मेरे यहाँ एक्वेरियम है तो लेडी जी जो जो पंडित जी हैं जो भी हैं इस जो इस रखते हैं उससे छोटा सा कछुआ मांग रहे थे, तो वो इंतज़ाम कर रहा था, लेकिन जाता है वो अंकल जाते हैं कछुआ लेने छोटा कछुआ, लेकिन उसे छोटा कछुआ ना निकल के बड़ा कछुआ निकलता है, जो कि बताते हैं यहाँ के अंकल लोग, दादा लोग बताते हैं कि 200 साल पुराना कछुआ। पता नहीं ये कहाँ तक मैं इतना तो नहीं मानती हूँ, लेकिन कह रहे थे ये बहुत बड़ा कछुआ था, एक अभी आपको दिखाएंगे। मुझे तो लेकिन कह रहे हैं तो हो भी सकता है कि छोटा सा कछुआ ये, जब इसको आ आ आ करके बोले तो ये आते हैं, बाहर निकल के आते हैं, ऊपर इनका हेड दिखता है। ये देखिए अनायशा बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर कछुए को नहीं, बाकी जगह यहाँ जो डॉग्स वगैरह लेटे थे उसको उसके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। बहुत बड़े बड़े ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से दिख रहे हैं कछुए के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और इसमें जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये सभी क्योंकि कछुए ब्रेड खाते हैं, तो बहुत सारा इसमें ब्रेड तैर रहा था। देखिए सब देखने वाले हैं, अनायशा देख रही बहुत खुश हो रही, जो कछुए निकल निकल के बाहर आते हैं। सब लोग देखने आए हैं, और वो बरगद का बड़ी भी काफी अच्छा बना था, बस थोड़ा सा साफ सफाई नहीं थी, लड़की व्यवस्था बना रहे हैं। ये नायशा डॉग्स को देखकर बहुत इंजॉय कर रही है, इसमें छोटे बड़े से बड़ा कछुआ आपको मिलेगा देखने। नायशा बना रही देखिए, देख सकते हैं आप लोग भी कछुआ, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कछुआ देखा नहीं है। देखिए लेडी जी बोलते हैं कि मुझे एक कछुआ चाहिए, अंकल से बोलता हूँ वो लेने जाएंगे, वो एक छोटी सी डंडी में उसमें कुछ लगाकर ब्रेड शायद लगाकर उसको बुलाते हैं, ये देखो ये छिप जाते हैं लोग बाहर निकलते थे। नायशा कितनी खुश हो रही थी, नायशा वीडियो बनाना बहुत बहुत निकल रही थी, अनायशा बहुत खुश हो रही है। ज़्यादातर अनायशा अनायशा की आवाज़ ही सुनेंगी क्योंकि अनायशा को बहुत आवाज़ देती है। ये शैतानी की ये देखिए अंकल ये कछुआ बुलाई, देखिए बड़ा ऐसा कछुआ जा रहा है, काफ़ी बड़ा कछुआ था वीडियो में देखने में, भी देखिए इसी कछुए को कहते हैं 200 साल पुराना कछुआ है, इन सबका बता रहे थे, इन सबका दादा है, देखिए आ रहा है ये आके उस स्टिक से खाकर चला गया।
अंकल आए थे छोटे कछुए को लेने के लिए कि शायद छोटा एक फंस गया आ जाए तो मैं पकड़ के ही हम लोग दे देते, लेकिन छोटा आया ही नहीं, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला तो छेड़े में आ ही नहीं सकता। ये अनायशा ये देखो आ रहा है, डर लगता है कि अनायशा कहीं गिर ना जाए, इसमें स्लिप ना हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े वो पड़े हैं, इसमें नीचे ही है इसमें चाहे काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं पता डरती हूँ। ये देखो कोई बड़ा सा वो बीच में आ रहा है, बड़ा सा समझदार नहीं है ना, देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा पॉन्ड है, ये बड़ा है और नायशा बहुत पुरानी कुछ बिल्कुल सफाई नहीं थी इसलिए थोड़ा सा नायशा मन चाहो वहाँ पर उतारने में थोड़ा सा अभी लग जाएगा, वही तुम्हारे लग रहा है, देखें क्या कर रही है, दिखाओ। सेफ नहीं था जैसे ये, क्योंकि इसकी आदत है कि तालाब से ये देखो आ आ आ आ कहीं से भी कुछ भी उठा लेती है, मुँह में डाल लेती है, तो थोड़ा सा डर लगा करता है इसके पीछे पीछे घूमना। नायशा क्या खेल रही है तुम, ये बहुत ध्यान से देखेगी पहले, ध्यान से देखने के बाद उठा लेती है। नींद अच्छा लग रहा है, चलो बेटा आओ। फिश नहीं थी इससे कुछ भी थे बहुत सारे, जा रहे हैं बहुत देर हो चुकी है। नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर जा रहे हैं लोग, मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अभी लोग जा रहे हैं, बहुत दिन बाद हमने ऐसे कागज़ में घर जाने का कि बहुत दिन बाद हमने ऐसे मंदिर जो लोग कानपुर में रहते हैं घूम सकते हैं, पॉन्ड के टर्टल्स का पॉन्ड बहुत अच्छा है, कानपुर के हिसाब से ही बहुत ठीक ठाक जगह है, बस सफाई नहीं है थोड़ा सा, देखिए बारिश हुई थी इसलिए बोल तो भाई मैं जा रही हूँ।